दिल में गर्मी का ये बेहद सुहावना दिन है। हमारे चारों ओर फैले देवदार के ये सुंदर पेड़ इस माहौल को काफी खुशनुमा बनाते हैं। वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन के साथ इस पवेलियन में मौजूद होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों मिस्टर यंग हस्बैंड, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं सचमुच यहाँ एक बहुत बड़े काम से आया है। अनंडेल में झुरमटों के बीच बने जिमखाने को निहारते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने तिब्बत पर हमला करने की योजना बनाई। इससे कुछ साल पहले अनंडेल में चुपचाप एक अन्य घटना घट चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, जहाँ उनके मन में एक ऐसा संगठन बनाने का विचार आया जिससे अंग्रेजों और भारतीयों को करीब लाया जा सके। उनके द्वारा बनाया गया कांग्रेस नामक ये संगठन एक अलग ही दिशा में मुड़ गया और जल्दी उसकी अगुवाई में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। एक बात और, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट जो आज भी खेला जाता है की शुरुआत अनंडेल से हुई। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली डूरंड लाइन खींचने का निर्णय शिमला में हुआ था। अंग्रेज भारतीयों को सरकार ने प्रतिनिधित्व देने से मुकर चुके। जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थों को मौत के घाट उतारने वाला जनरल डायर कुछ समय शिमला में भी रह चुका था। अब शिमला की पहाड़ियों से भी आजादी के लिए आवाज़ें उठने लगी। उनके
कार्यकाल के दौरान यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में कई सत्र आयोजित हुए। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग ने देश का बंटवारा किया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी की पीढ़ियों से आजाद हो गया। अकेले शहर का इतिहास शिमला जैसा समृद्ध है।